हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमस खान एंड यू आर वाचिंग मिस्टर टेक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमारे पास है ईगो की 32 इंच एलईडी टीवी एंड इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है पहले आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें है पैनल का फॉल्ट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसका पावर प्लग मैं लगा देता हूँ एंड यहाँ हमारे यहाँ पर इंडिकेटर चालू हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। याद देखो यहाँ पर इंडिकेटर इसका चालू हो चुका है एंड अब मैं करता हूँ स्टैंड बाय, एस्टेमेट से रिलीज़ हो चुका है एंड यहाँ पर हल्का सा लाइट आ चुका है बट इसका पैनल यहाँ पर चालू नहीं हुआ है बट इसका बैटरी लाइट यहाँ पर चालू हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसके बैक लाइट का यहाँ पर लाइट आपको शो कर रहा है बट यहाँ पर जो हमारा पैनल है यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करने वाले, देखते हैं किसी हम कैसे रिपेयर करते हैं और रिपेयर होता है कि नहीं होता, पूरा आज की वीडियो को बताने वाला स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम इसके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड है, आप देख सकते हो एंड दोस्तों यहाँ पर इसका स्केलर बोर्ड सिंगल कॉप का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, जो इसका LVDS है यहाँ पर सिग्नल की वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही और हमारा जो मेन वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन उसके बाद अगर इसमें आ रहा होगा वोल्टेज तो हम यहाँ पर स्केलर बोर्ड में यहाँ पर हम चेक करने वाले इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले एक को मैं इसके अर्थिंग में लगा देता हूँ इस तरीके से, देन इसको मैंने अपने वोल्टेज पर सेट कर लिया हूँ एंड अब दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ इसके पावर प्लग में। तो दोस्तों अब यहाँ पर रेड इंडिकेटर चालू हो चुका है, मैं इसे स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। ये स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है यानी यहाँ पर हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू हो चुका है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसके अंदर इसका बैकलाइट यहाँ पर चालू हो चुका है एंड यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ हमारा 12 वोल्ट आ रहा है हमारे LVDS में एंड यहाँ पर सिग्नल 1.2 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी 1.3 आ रहा है यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे सिग्नल की वोल्टेज आ रही है एंड हमारे जो मेन वोल्टेज है यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब वो जो हमारा मदरबोर्ड यहाँ पर ओके है एंड हमारा बैकलाइट यहाँ पर ओके है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम है यहाँ पर स्केलर बोर्ड का, तो इसमें कैसे फॉल्ट फाइंड करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है पूरा बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा LVDS है एंड यहाँ पर इसका फ्यूज़ दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से निकल भी रहा है, ठीक है ना दोस्तों। एंड अब हम यहाँ पर चेक करने वाले VGH VGL के वोल्टेज। तो दोस्तों इसका ये VCC इसका 1.8, यहाँ पर 1.9 आ रहा है यानी दोस्तों यहाँ पर VCC वोल्टेज बन रहा है। एंड अब हम यहाँ पर चेक करने वाले वोल्टेज इन 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ यहाँ पर वी ऑन है अपना VGH। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वी ऑन में एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा है एंड यहाँ पर VCC 3.3 यहाँ पर बन रहा है एंड यहाँ पर अपना वी ऑन नहीं बन रहा है एंड AVDD 15 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा AVDD भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ जो हमारा पैनल है यहाँ पर कहने की शॉर्ट है। तो इसमें दोस्तों तीन कंडीशन हमारी होती है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अभी जो इसके स्केलर बोर्ड में वी ऑन का जो वोल्टेज था यानी VGH का जो हमारा वोल्टेज था वो 0.09 यानी 0 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा था बट एटलीस्ट यहाँ पर 28 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए तभी यहाँ पर हमारा पैनल चालू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मेन वोल्टेज है जो हमारा बेसिक वोल्टेज रहता है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों इसमें दो कंडीशन होती है, मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूँ, आपको ये चेक कर लेना है, मैं आपको अभी चेक करके भी दिखाऊंगा और आपको लाइव इसको ठीक करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों दो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है जब आप LED को ऑफ करते हो तो आपको यहाँ पर मीटर की रॉड को रखना है V1 की वोल्टेज में यानी VGH की वोल्टेज में आपको रखना है और जैसे आप स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हो तो आपको ये देखना है कि इसमें वोल्टेज आके ड्रॉप होता है या वोल्टेज आता ही नहीं है। तो दोस्तों अगर
इसमें वोल्टेज नहीं आता है, स्टार्टिंग से वोल्टेज नहीं आता है, तो इसका मतलब वो जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी है वो यहाँ पर शॉर्ट होंगी, या आपका वाली ट्रेक होंगी जो वीजीएच की यानी वी ऑन की जो हमारी ट्रेक रहेंगी वो यहाँ पर शॉर्ट होंगी। एंड दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जो कि 80% चांस ये प्रॉब्लम का रहता है, मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें वोल्टेज आके ड्रॉप होता है। मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सेंसवी का पैनल था उसको मैंने ऑलरेडी रिपेयर करके बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक भी दिया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें 32 इंच एलईडी टीवी थी सेंसवी कंपनी की, उसका भी मैंने सीकेवी कैसे पता लगाया फॉल्ट को, उसको वहाँ पर ठीक करा मैंने, पूरा बताया है उसमें, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। एंड इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, वोल्टेज आके ड्रॉप हो रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब वो होता है यानी जो आपकी डीसी टू डीसी ऐसी वोल्टेज बना रही है, यानी उसने ऐसी वोल्टेज एक बार दे दिया यानी 15 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट आके अगर यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब जब आपका पैनल यहाँ पर शॉर्ट है। और दोस्तों पैनल शॉर्ट होता है तो इसका मतलब जो होंगी सी के वी लाइन होती है और भी कोई वोल्टेज रहते हैं शॉर्ट रहते हैं, बट इसमें जो केस रहता है सिंगल कॉप वाले में 90% या 80% हमारे केस रहते हैं वो सी के वी के वजह से ऐसा फॉल्ट आता है। तो हम यहाँ पर पता लगाते हैं हमारा सी के वी ट्रेक कौन सी है और उसको कैसे कट करेंगे और कैसे वो ठीक होती है, आपको पूरा बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों मैं पूरा लाइव कट करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि मैं कैसे उसको कट करता हूँ, कौन से टूल से उसको कट करता हूँ, पूरा बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो इसका वी ऑन है यहाँ पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है, 0.09 यानी यहाँ पर 0 वोल्ट है एक तरह से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक बार कि इसमें वोल्टेज आके ड्रॉप होता है या वोल्टेज आता ही नहीं है। तो हम एक बार हम इसको स्टैंड बाय वापस रिलीज करेंगे ऑफ करके, तो इसको मैं ऑफ कर चुका हूँ, यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया, देन वापस इसको ऑन करता हूँ, इसको ऑन कर दिया, तो आपने देखा यहाँ पर वोल्टेज आके ड्रॉप हुआ। इसका मतलब वो हुआ दोस्तों जो हमारी डीसी टू डीसी आई थी यहाँ पर वोल्टेज बना रही है, एंड यहाँ पर अगर आके ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा पैनल में करने की शॉर्टिंग है तो हमको यहाँ पर सी के वी की लाइन कट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सी के वी ओके होता है या कोनों की प्रिंट शॉर्ट होता है हमारा वी जी एच वी जी एल का, तो यहाँ पर वोल्टेज बनता ही नहीं। लेकिन अगर बन के ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब हमारे यहाँ पर सी के वी का फॉल्ट है, तो हमको सी के वी की ट्रैक को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है आपको पूरा बताता हूँ। ये जो आपको ट्रैक दिख रही है यहाँ पर ये वाली 1 2 3 4, ये आपको चारों ट्रैक को यहाँ से कट करना पड़ेगा जो कि हमारी सी के वी की है। यानी दोस्तों ये दो आपको यहाँ पर ट्रैक दिख रही है ऐसा और ऐसा बना हुआ, तो इसके अंदर जितनी आपको ट्रैक दिख रही है आपको कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये चारों ट्रैक को यहाँ से कट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताया, तो अगर वो ट्रैक कट करो तो आपको इस तरह का यहाँ पर टूल लेना पड़ेगा इस तरीके का, एकदम शार्प होना चाहिए ताकि आप इजीली यहाँ पर ट्रैक को कट कर सको। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ट्रैक दिख रही होंगी इस तरीके से, एंड इसके अंदर आपको टोटल चार ट्रैक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये चारों ट्रैक हमारी सी के वी की रहती है, तो सबसे पहले हमको ये चारों ट्रैक को कट करना पड़ेगा, देन हमको यहाँ पर चेक करना होगा कि हमारे पूरे वोल्टेज यहाँ पर बन रहे कि नहीं बन रहे। यानी जो हमारा वोल्टेज यहाँ का नहीं बन रहा था, ये हमारा वी ओम का आप दिखाता हूँ, ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा 0.09 दिखा रहा था जबकि यहाँ पर वोल्टेज दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर आके ड्रॉप हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली ट्रैक को यहाँ से कट करेंगे जो कि हमारी सी के वी की है, तो हम सब कट कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रैक को कट कर दिया हूँ सी के वी की, मैंने आपको सामने लाइव करके दिखाया हूँ, एंड आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चारों ट्रैक को कट कर दिया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर वोल्टेज जो हमारा वी वन को जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पर आया कि नहीं आया, जो हमारा वी वन वाला वोल्टेज है यहाँ पर है ना 28 वोल्ट आया कि नहीं आया हमारा वी जी एच का। तो ये हमारा मल्टीमीटर, एंड इसको मैं रखता हूँ ग्राउंड पे इस तरीके से, देन इसका पावर प्लग को लगा देता हूँ, एंड ये हमारा यहाँ पर इंडिकेटर चालू हो चुका है रेड कलर का, एंड इसको मैं रिलीज़ करता हूँ स्टैंड बाय से, रिलीज़ कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर वी वन में 28 वोल्ट आए के नहीं आए, जो कि हमारा वी जी एच है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 32.5 यानी यहाँ पर दोस्तों हमारा वोल्टेज बन चुका है जो कि अभी 0.09 दिखा रहा था।
तो दोस्तों अगर हमारे यहाँ पर वोल्टेज बन गया है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर पैनल चालू हो चुका है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार हमारा पैनल चालू हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हमारा पैनल इसको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पैनल चालू हो चुका है, यहाँ पर पूरा हमारा स्क्रीन में सब लिखा आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली अपने कोई भी पैनल को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं वही पैनल दिखाता हूँ जो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं। तो आइए बस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी ट्रैक काटना है, कैसे काटना है। मैंने आपको पूरा लाइव कट करके दिखाया हूँ और लाइव को दिखाऊँ कि यहाँ पर पहले 0.09 वोल्टेज आ रहा था हमारे वी ऑन यानी वी जी एच में, एंड यहाँ पर कट करने के बाद 32 यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा पैनल यहाँ पर चालू हो चुका है। सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अपना एलईडी टीवी के पैनल को रिपेयर कर सकते हो। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आप लोग को वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।